अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप खैर आफिया से होंगे। आज मैं बड़ी बहुत अच्छी और बहुत मजे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये शोरबे वाली चिकन है, यखनी वाला और शोरबे वाला इसको आप कहते हैं, इस चिकन का नाम है। तो आपने ये बनाएंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। तो जिसमें मैं जो चीजें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये देखिए चिकन के चार पीस मैंने लिए हैं, आपने इसकी बोटियां नहीं करवानी, इसी तरह साबत ये इसमें जाएगा, ठीक है। चार लेनी है आपने। उसके बाद मैंने एक लहसुन की गठी ली है, एक प्याज की गठी ली है, दो टीस्पून मैंने सौंफ के लिए हैं, एक बादेखाने का फूल लिया है, दो मैंने सूखे धनिए के लिए हैं चम्मच, ये थोड़ी सी दालचीनी ली है, दो मैंने बड़ी इलायची ली है और चार पांच मैंने छोटी इलायची के दाने लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा लिया है और तीन से चार मैंने लौंग लिए हैं और तीन चार हरी मिर्चें ली हैं। ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको हांडी में बनाना बताऊंगी कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैं ये चिकन डाल रही हूँ। ये इस तरह करके ना आपने चिकन डाल देना, उसके बाद आपने एक पानी का जग डालना है, एक पानी का ना जग डाल देना इसमें जो आपकी यखनी निकल आए। जी व्यूअर्स देखे मैं पानी डाल रही हूँ, इतना आपने पानी डालना है कि इसका जो गोश है ना वो इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें इतना डिप हो गया, थोड़ा सा और इसमें डलेगा। जी व्यूज देखे मैंने इसमें डेढ़ जग पानी का डाला था मगर अभी भी ऊपर पानी नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये जो अच्छी तरह गोश्त है अब ये देखे अच्छी तरह पानी में ये गोश्त भीग गया है। अब इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट डालती हूँ। ये देखे एक बादियानी का फूल, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपको, ये सूखा धनिया, ये हरी मिर्चे है, ये लौंग है और ये अदरक का पीस है, ये दो बड़ी इलायची हैं, ये छोटी इलायची हैं और ये दालचीनी है, एक लहसुन की गठी है और एक प्याज का है। ये सारी चीजें इसमें चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूज ये बनाने के लिए ना ये सारे जो मसाले हैं ना ये आपको साबत ही लहसुन, साबत ही प्याज, साबत ही सूखा धनिया, साबत हर चीज आपको इसमें डालनी पड़ेगी, कूट के कोई चीज नहीं इसमें जाएगी। इसके बाद मैं डालूंगी अब नमक। नमक हस्बे जायका आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हैं। मैंने अपना एक चम्मच डाल दिया टीस्पून। जी व्यूज मैंने सारे इसमें मसाला जहां डाल दिए हैं, अब इसमें दो तीन उबाल तेज आंच पे इसको आपने पकाना है। दो तीन उबाले इसके जब आ जाएंगे उसके बाद आपने इसका फ्लेम जो है ना बिल्कुल स्लो कर देना है और आपने इतना इसको पकाना है कि पक के ये आधी ये दो जग थे ना तो एक जग रह जाए पानी यखनी का। जी व्यूज देखें मैंने तेज आंच पे इसको दो तीन इसके उबाल आ गए हैं। अब अभी इसको मैंने और एक दो उबाल दिलाने हैं क्योंकि हांडी में अगर आप पकाएंगे ना तो इसमें जो है ना पानी कम जल्दी नहीं सूखता है। अगर आप देचकी में पकाए में उसमें पानी जल्दी सूख जाता है, हांडी का यही है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये पकती है और ये बहुत मजे की इसका टेस्ट निकलता है। अगर आप देचकी में पकाएंगे तो फिर आप इसका फ्लेम जो है ना आहिस्ता कर सकते हैं मगर अभी हांडी में ये पक रही है तो अभी इसका मैं फ्लेम तेज रखूंगी। व्यूज देखे इस इतनी आंच पे ये मैंने एक घंटा इसको हांडी में ये पकेगा, उसके बाद मैं इसका मसाला अलग से तैयार करूंगी और इसकी यखनी अलग से निकाल के और बोटियां निकाल के वो इसमें मसाला डालूंगी। वो मैं आपको जब ये इसकी यखनी निकल आएगी तो मसाला जब बनाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। जी व्यूज देखें एक घंटा पकने के बाद इतना पानी इसकी यखनी रह गई है। अब मैं इसकी जो बोटी है ना वो अलग से निकाल लूंगी और यखनी को मैं छान लूंगी और उसका अलग से मसाला तैयार करूंगी। ये देखें व्यूज मैं इस तरह इसकी सारी बोटियां बाहर निकाल लूंगी प्लेट में। ये देखें इसकी बोटियां टूटी नहीं है, वैसी की वैसी साबत ही है, आपने इसको ऐसे साबत ही रखना है। अब
अब इस चखनी को हम लोग छान के अलग से रख लेंगे और उसका जो मसाला है ना वो तैयार करेंगे। मैंने यखनी छान ली है, अब उसमें से ये जो लहसुन और मैंने प्याज साबुत डाला था मैं इसको अलग से कर लूंगी और वो जो मैंने मसाला तैयार करना है ना मुर्गी का उसमें ये डालूंगी। देखें ये देसी घी मैं डाल रही हूँ, आप चाहे ज्यादा भी डाल सकते हैं मगर इतना काफी है इसमें घी। और ये डिश जो है ना देसी घी में बहुत मजे की बनती है तो आप देसी घी में इसको पकाइएगा। तो अब मैं ये देखें मैंने जो लहसुन निकाला था ना और जो प्याज यखनी में से निकाला था उसको मैं ये कांटे की मदद से ना अच्छी तरह ना इसको मैश कर लूंगी कि ये इसका जो गुद्दा है ना वो बिल्कुल नरम बन जाए, बिल्कुल प्याज नजर ना आए। और इसका लहसुन का भी मैं इस तरह निकाल लूंगी, इसका छिलका निकाल दूंगी और इसका गुद्दा जो है ना वो बीच में डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह आपने मैश करना है, ये देखिए जैसे मैं मैश कर रही हूँ ना छिलके समेत इसको आपने मैश करना है। बाद में आपने जब ये मैश हो जाए बाद में इसका आपने छिलका निकाल देना है। अभी देखिए ये सही तरह मैश नहीं हुआ है, अभी इसको अच्छी तरह आपने मैश करना है। ये देखिए जी व्यूज, जो मैंने यखनी में से लहसुन और प्याज वो निकाला था ना उसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है कांटे की मदद से, और उसमें से जो छिलके थे लहसुन के वो मैंने निकाल दिए। अब मैं इस मैश किए हुए लहसुन को और प्याज को ना ये देसी घी में डाल दूंगी। बस इसको ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यखनी में ऑलरेडी पका हुआ है और देसी घी को भी ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें जो नमक में मैं डालने जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी जी ये करके ना भून के प्याज और जो प्याज मैंने डाला था लहसुन डाला था घी में उसके बाद थोड़ा सा पानी वो डाल दे ताकि नमक जो मिर्च है वो जले ना घी में। ये एक टीस्पून मैंने इसका लाल मिर्च को डाला है, एक टीस्पून सूखे धनिया का डाला है और एक टीस्पून मैंने हल्दी का हल्दी डाला है। अब आपने इसको भून लेना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब इसका घी अच्छी से निकल आए, यखनी में मैंने नमक डाला हुआ था वो मैंने नहीं इसमें डाला इसलिए ऐड नहीं किया, वो बाद में हम लोग चखेंगे अगर कम हुआ तो फिर मैं और डाल दूंगी, अभी इसमें मैंने नमक नहीं डालना। अब इसको आप अच्छी तरह से भून लें ताकि मिर्च जो कच्ची है ना वो कच्चा पानी इसका खत्म हो गया मिर्च का। एक टी स्पून कश्मीरी मिर्च का जाएगा, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। इसको आपने और भून लेना, जब ये देखें मसाला घी छोड़ना शुरू हो जाए आप पूरे आपका मसाला जो है इसमें टमाटर भी नहीं जाता है, इसमें दही भी नहीं जाती है, इसमें कुछ नहीं जाता है। ये बहुत इजी मतलब बहुत मजे की ये डिश बनती है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत मजे की बनाएंगे और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। जैसे गोंग का शोरबे का फ्लेवर नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे गोंग का फ्लेवर आता है इसमें। इसकी मैं थोड़ी सी आँच वाला हल्की कर लेती हूँ और इसमें ये जो गोश्त निकाला हुआ था ना चिकन वो मैं इसमें डाल लूंगी एक एक करके। आराम से आप डालिएगा ताकि इसकी जो बोटी है ना वो टूटे ना, इसी तरह ये साबुत रहे इसका फ्लेवर और ये बिल्कुल बोन की तरह बनेगी। इसका नान के साथ बहुत मजा इसका आता है, आप नाश्ते में भी इसको खा सकते हैं और रात को चपाती के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद ये जो मैंने यखनी निकाली हुई थी ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बड़े आराम से इसको आपने ऐसे इसको करना है ताकि ये बोटी जो है ना टूटे ना। अब इसको तेज आंच पे ना आपने पकाना है,
थोड़ी देर इसको पकाने के बाद आपने जितना आपका दिल करे, मगर इसका जो शोरबा होता है ना वो पतला ही अच्छा लगता है। अगर आपने गाढ़ा करना है तो आप गाढ़ा भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है, मगर इसका शोरबा पतला ही अच्छा लगता है। तो आप इसको एक दो उबाल जब आ जाएंगे तो मैं इसका जो चूल्हा है ना वो बंद कर दूंगी और हल्की आंच पे इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। मैंने जो इसमें वो चिकन डाला था, यखनी डाली थी, वो पक के ये देखें इतना पक गया, ये इसमें उबाल आ गया, 2-3 उबाल आ गए। तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। आपने मुझे इसे खा के कमेंट्स में जरूर बताना है कि ये डिश आपको कैसी लगी है, क्योंकि इससे मैं आपको और ज्यादा मजे की डिशें बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह।